नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद में आज, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश भर में आज मनाया जा रहा है संविधान दिवस। संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ पर संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति की संविधान निर्माताओं की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेने की अपील। सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र के मौके पर 250 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट होगा जारी। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा का महत्व विषय पर स्मरणीय संस्करण का भी होगा विमोचन। संविधान दिवस पर संयुक्त बैठक के मद्देनजर दोपहर 2 बजे शुरू होगी राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही। उच्च सदन के एजेंडे में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक और चिटफंड संशोधन बिल, दो केंद्र शासित प्रदेशों दमन दीव और दादर नगर हवेली का विलय करने वाले बिल समेत 3 अहम विधेयक लोकसभा में किए जाएंगे पेश। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ पर संसद के सेंट्रल हॉल में आज दोनों सदनों के विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करेंगे। साथ ही दोनों सदनों के सांसद और विशेष आमंत्रित हस्तियां भी शिरकत करेंगी। राज्यसभा के 250वें सत्र के मद्देनजर कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा के सफर पर संकलित स्मारिका का विमोचन भी होगा। साथ ही स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे शुरू होगी। संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इस बार खास आयोजन हो रहा है। संविधान को अंगीकार किए हुए 70 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके को यादगार बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे राष्ट्रगान के साथ होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। संविधान दिवस के साथ साथ राज्यसभा के खास 250वें सत्र पूरे होने के मौके पर 250 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा अटल नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम पोर्टल का भी विमोचन किया जाएगा। इस साल वैसे संविधान का 70 साल पूरा हो रहा है, इसलिए पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल में महामहिम राष्ट्रपति जी उनका उद्बोधन, उसके साथ उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा का स्पीकर, ऐसे देश के प्रमुख जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में जो है, ऐसे सभी नेताओं का भाषण होंगे। ये फिर एक बार भारत का संविधान जो 70 साल हो चुका है, वो संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और श्रद्धा, इसका प्रकट करने का एक अवसर होगा। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में पूर्व प्रधानमंत्रियों और पूर्व राष्ट्रपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। दोनों सदनों के सांसद भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। संविधान के प्रति देश में और जागरूकता होनी चाहिए। 70 साल बाद भी आज भी ऐसी स्थिति है कि लोग संविधान के बारे में अपना मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब नहीं जानते। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान हमने हिंदुस्तान को दिया है और कोई वजह नहीं कि ये कामयाब। अगर किसी वजह से अगर फेल होता है तो जो लोग इसको लागू करने वाले हैं उसकी विफलता होगी, वो संविधान की विफलता। 26 नवंबर 1949 के दिन भारत के संविधान को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। एनडीए सरकार ने 2015 से इसे संविधान दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और उसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। अब तक संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं। संविधान के 70 साल पूरे होने के मौके पर सरकार एक साल तक इन कार्यक्रमों के बारे में देश भर में जागरूकता फैलाएगी। साथ ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन के इसी सेंट्रल हॉल से जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी, उसके बाद ही इसका सिलसिला शुरू होगा। इसके साथ ही सरकार की कोशिश ये भी है कि मौलिक कर्तव्यों के प्रति आम जनता में जागरूकता को भी बढ़ाया जाए।
संसद भवन के सेंट्रल हॉल से कैमरामैन दुष्मंता के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संविधान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बधाई दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि आज संविधान दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर संविधान की मान्यताओं और मर्यादाओं के संरक्षण और संवर्धन के प्रति पुनः संकल्पबद्ध हों। लोकतांत्रिक गणराज्य में सचेत नागरिकों के सक्रिय और सार्थक प्रयास आवश्यक शर्त हैं। संविधान दिवस के पावन अवसर पर स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों और अपने संविधान निर्माताओं की आशाओं और अपेक्षाओं का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें और उन्हें पूरा करने का संकल्प लें। हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता सुनिश्चित करना स्वीकार किया है। संविधान में निहित मान्यताओं को पूरा करना हमारा दायित्व है। हमने स्वयं भारत के संविधान को पूर्ण आस्था के साथ स्वीकार किया है। हम सभी भारत को संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के प्रति संकल्पबद्ध हैं। हमने भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने और परस्पर भाईचारे को बढ़ाने का निश्चय लिया है। संविधान में निहित आदर्शों और मर्यादाओं की पूर्ति के लिए जरूरी है कि नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों का आस्थापूर्वक पालन करें और अपने निजी, सामुदायिक और व्यवसायिक जीवन में नागरिक कर्तव्यों को आत्मसात करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सदियों से गुलामी के बंधन में जकड़े इस देश को आधुनिक और प्रगतिशील संवैधानिक दृष्टि देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनकी पुण्य स्मृति को विनम्रतापूर्वक नमन करता हूँ। और इस समय हम सीधा रुक करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद हमारी संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, देश में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ पर संसद के सेंट्रल हॉल में आज सुबह 11 बजे से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। पूरा कार्यक्रम आप फिलहाल बताएं किस तरह से आगे बढ़ेगा। जी हाँ प्रीति, देखिए पार्लियामेंट में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जॉइंट सेशन है दोनों ही सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए उम्मीद है कि 11 बजे से ये कार्यक्रम इसकी शुरुआत होगी और जितने भी टॉप डिग्निटरीज हैं, भारत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर लोकसभा के, सभी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे और साथ ही साथ कुछ पुराने सदस्य भी मौजूद होंगे और दोनों सदनों के सदस्य होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट संबोधन भी करेंगे और उसके साथ साथ कई इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि स्टैम्प है जो राज्यसभा के 250 सेशन के मौके पर किया गया है। उसके अलावा एक कॉइन है जिसको रिलीज किया जाएगा और इंडियन यूथ पार्लियामेंट का एक पोर्टल बना है उसको भी लॉन्च किया जाएगा और साथ ही एक प्रदर्शनी है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी आज लोगों के लिए खोला जाएगा। और साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है लोकसभा का कैलेंडर, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन लॉ, इसकी भी आज उसको रिलीज़ किया जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण प्रोग्राम हैं आज सदन में, आज संसद में, और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि बहुत ही भव्य तरीके से पूरे परिसर को सजाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने के लिए। जी प्रीति, बिल्कुल। और 70वीं वर्षगांठ के मौके पर जाहिर तौर पर कृति, तमाम उम्मीदें और इसे लेकर, संविधान को लेकर जो जागरूकता हर एक व्यक्ति में, हर एक नागरिक के, नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश है, ये भी एक बड़ा हिस्सा है। किस तरह से एक राष्ट्र, समाज या समुदाय के जीवन में संविधान का महत्व है, उसे समझने का भी एक अच्छा मौका। जी हाँ बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है, हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी की गई कि किस तरह से जो जर्नी है भारत के संविधान की, कि कितने मुश्किलों के बाद एक इतना समृद्ध और सुदृढ़ संविधान जो हमारे संविधान कर्ता थे उन्होंने भारत को दिया और किस तरह से डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है और वाइब्रेंट है भारत की, इन सभी को चीज़ों को लेकर जो पूरा आज ये राज, जो देश कृतज्ञ है अपने जो संविधान निर्माता हैं उनके लिए, तो ये बहुत बड़ा मौका है। और साथ ही हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट संबोधन मिलेगा प्रेसिडेंट का भी, प्राइम मिनिस्टर का, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी और समाज में जागरूकता पैदा करने वाली बात होगी। जी प्रीति, बिल्कुल। फिलहाल कृति आप हमारे साथ बने रहिए और इस समय हम अपने सहयोगी अखिलेश सुमन का रुख करेंगे। अखिलेश, आज का दिन काफी ऐतिहासिक, किन मायनों में इसकी अहमियत आम नागरिकों के लिए समझी जाए? देखिए, सबसे बड़ी अहमियत तो ये है कि हमारा जो संविधान है वो एडॉप्ट किया गया था
भारत की आज़ादी के बाद और भारत की आज़ादी के दौरान जो पूरे देश का एक एकीकरण की भावना थी, वह भावना इसमें रिफ्लेक्ट होती है। और उसके अलावा भारत की आज़ादी के संघर्ष के दौरान एक जो यह भावना बनी थी कि जो पुरानी जमींदारी व्यवस्था थी, पुराने राजाओं की जो राजशाही थी, उस सब को ख़त्म करके, सामंतवाद को ख़त्म करके आम आदमी का भारत बनेगा, आम नागरिक का भारत बनेगा। और उस आम नागरिक की क्या महत्वाकांक्षाएँ होंगी, उसके किस तरीके से अधिकार होंगे और वे अधिकार और उनकी महत्वाकांक्षाएं कहां तक जा सकती है, इन सारी बातों का प्रतिबिंबन हुआ है भारत के संविधान में। और इसलिए भारत के संविधान के बनाने की जो बहस सुनते हैं तो उस बहस में छोटी छोटी बातों से लेकर और बड़ी बड़ी बातों तक, और इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया के सभी संविधानों का निचोड़ माना जाता है। क्योंकि देखिए, भारतीय लोकतंत्र भी जो है, जो लोकतांत्रिक लड़ाई अन्य जगहों पर चली थी, चाहे वो अमेरिका में हो या इंग्लैंड में हो, उन सारे या यूरोप में, सभी जगह के लोकतांत्रिक लड़ाइयों से एक प्रेरणा लेकर और उस लोकतांत्रिक संघर्ष के निचोड़ के रूप में कैसा भारत होगा, इस भारत का सपना संविधान में दिखता है। और संविधान में यह भी दिखता है कि आम नागरिक किस तरीके से भारत में बता सकते हैं कि एक मोची भी प्रधानमंत्री बनने का एक सपना देख सकता है, वो बन सकता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक चाय बनाने वाला भी किस तरीके से प्रधानमंत्री बन सकता है। तो यह जो अजूबी बात होती है कि पहले यह माना जाता था कि भारत का शासक वही होगा जो राजवंश से होगा, लेकिन नहीं, भारत का शासक वह भी हो सकता है जो एक आम नागरिक हो, एक गरीब से गरीब परिवार का आदमी हो, और वह भी भारत का शासक, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख सकता है और वो बन सकता है। जो हमारे संविधान ने जो दिया वह बार बार प्रतिफलित हुआ है, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति के पद पर हों, चाहे प्रधानमंत्री के पद पर हों, चाहे मंत्री के पद पर हों या मुख्यमंत्री के पद पर, भारत के संविधान ने यह संभव कर दिया है कि यहाँ रहने वाला हर नागरिक यहाँ हर चीज में बराबर है, उसको वोट देने का अधिकार है, हर आदमी को वोट देने का अधिकार है। और मैं बताऊं प्रीति कि भारत के संविधान में जो इतना कहे कि इतना प्रगतिशील था कि हर आदमी को वोट देने का अधिकार भारत ने पहले दिन से, जिस दिन भारत का लोकतंत्र गठित हुआ, जिस दिन भारत का लोकतंत्र बना, उसी दिन से हर आदमी को, हर नागरिक को समान अधिकार मिला वोट देने का, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, दलित हो या किसी अन्य जाति का, सबको समान अधिकार मिला, जबकि ब्रिटेन में भी वो उसके बाद आया। तो मैं बता सकता हूं कि भारत के संविधान ने आम नागरिक को अपने से जोड़ा, आम नागरिक को भारत के शीर्ष सत्ता से जोड़ा और आम नागरिक को यह एहसास दिलाया कि आप भारत के सम्मानित नागरिक बिल्कुल वैसे हैं जैसे यहां का प्रधानमंत्री होता है, जैसे यहां का राष्ट्रपति होता है। तो यह सम्मान भारत के संविधान ने आम नागरिक को दिया है। बिल्कुल, यानी अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी आज के दिन समझने का समय है। फिलहाल अखिलेश आप हमारे साथ बने रहिए, कृति आप भी हमारे साथ बने रहिए। संविधान दिवस के मौके पर लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल प्रदर्शनी लगाई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस प्रदर्शनी का संसद के केंद्रीय कक्ष से उद्घाटन करेंगे। लोकसभा संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार ने इस प्रदर्शनी में भारत के संविधान का इतिहास से लेकर संविधान सभा के वाद विवाद को बखूबी प्रदर्शित किया है। इस प्रदर्शनी का अवलोकन 29 नवंबर तक किया जा सकता है। राज्यसभा टीवी संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू ने प्रदर्शनी की तैयारियों का जायजा लिया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया था। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और दोनों सदनों के सम्मानित सदस्य भी शामिल होंगे। इस अवसर पर लोकसभा सचिवालय ने पार्लियामेंट के भीतर एक डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियाँ की गई, 70 साल का जो संविधान का सफ़र है उसने किस तरह से मूर्त रूप लिया, उसको बेहतरीन अंदाज में संसदीय जो विभाग है, जो लोकसभा सचिवालय का जो म्यूज़ियम का जो डिपार्टमेंट है उसने इसको दिखाया है। आप देख सकते हैं किस तरह से संविधान का ड्राफ्ट किया गया, कैसे प्रस्तावना बनी, कैसे तमाम महापुरुषों ने संविधान सभा में वाद विवाद के जरिए इस दस्तावेज, इस संविधान को मूर्त रूप दिया। ये संविधान पर आधारित जो प्रदर्शनी है 26 नवंबर से 29 नवंबर तक 3 दिन का ये प्रदर्शनी रहेगा जिसको लोग आके देख सकते हैं। फिलहाल इसकी तैयारी पूरी है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका उद्घाटन हो और लोग इसका दर्शन कर सके। कैमरामैन जितेंद्र नेगी के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। तो इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा। वहीं दोनों संवाददाता हमारे बने हुए हैं, आइए हम फिलहाल उनका रुख करते हैं। अखिलेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं तमाम महत्व, तमाम खासियत और
एक तरह से हम कहें कि आज अपने अधिकारों को समझने का दिन है, संविधान को समझने का दिन है, तो वहीं कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज और अपने कर्तव्यों को याद करने का भी दिन है। निश्चित तौर पे, क्योंकि जो अधिकार होते हैं, हमारे अधिकार आपके कर्तव्य हैं, आपके अधिकार हमारे कर्तव्य हैं, और हमारे अधिकार या मेरे अधिकार तभी फलित होंगे जब आप अपने कर्तव्य को पूरा करिएगा। तो बिल्कुल बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध है सारे अधिकारों और सारे कर्तव्यों के बीच में। और निश्चित तौर पे भारत का संविधान बना तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए कि ये भारत के सभी नागरिक के मौलिक अधिकार हैं। लेकिन उसके अलावा दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें भारत के संविधान में ऐड की गई, और वो महत्वपूर्ण था एक जो मौलिक कर्तव्य भारत के सभी नागरिकों का, और दूसरा था एक स्टेट पॉलिसी कि क्या होगा स्टेट की पॉलिसी, जो एक मूलभूत स्टेट के कर्तव्य क्या होंगे। तो उसको दोनों तरह के नागरिकों के कर्तव्य और स्टेट के कर्तव्य, दोनों कर्तव्य के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए। और इसे कहा जाता है कि भारत के संविधान की एक बहुत ही खूबसूरत रचना है जिसमें कि आपको समझना है, आपको समझना है कि आप देश के एक नागरिक है, तो अब देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप देश को क्या देंगे, क्योंकि देश आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है। उसी तरह से स्टेट के बारे में जो सत्ता होती है, जो सरकार होती है, सरकार के भी कुछ फंडामेंटल जो ये हैं पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसीज के बारे में सरकार को कुछ सलाह दी गई है कि आपके जनता के प्रति क्या कर्तव्य होंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की जिसकी बात हो रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहते हैं कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज रखे गए हैं भारत के संविधान में। और फंडामेंटल ड्यूटीज में आप देखेंगे तो उसमें भारत की सॉवरेंटी को अक्षुण रखना, भारत को डिफेंड करने के लिए क्या क्या आपके अगर जरूरत पड़ी तो आपको उसमें योगदान देना। इसके अलावा जो सबसे अंत में एक जोड़ा गया है, यह भी जोड़ा गया है कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। भारत के झंडे का सम्मान करना, भारत की जो संविधान की मूल आत्मा है उसका सम्मान करना, इसके अलावा एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनाना, यह भी भारत के संविधान की मूल आत्मा में शामिल है, जिसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज में रखा गया है। तो ये बहुत ही अहम एक किरदार बनता है भारत के संविधान का, एक तो नियम कानून जो सब पर लागू होंगे, दूसरा एक जो भारत के हर नागरिक के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज, और तीसरा है स्टेट की क्या ड्यूटीज होगी, वो भी स्टेट की भी जो ड्यूटीज है वह भी ड्यूटीज एक इस तरीके से है कि वो सजेस्टिव है, स्टेट को समझना चाहिए कि ये मूल आत्माएं हैं जिसके अनुरूप उन्हें काम करना है। तो ये तीन चीज़ें हैं भारत के संविधान की बहुत ही खास बातें, और भारत के संविधान की इन खास बातों को लेकर ही बाद में फिर प्रियम्बुल की पहले रचना की गई, प्रियम्बुल में भी हालांकि बाद में संशोधन किया गया, तो प्रियम्बुल जो पढ़ता है वो समझता है कि हाँ भारत का संविधान ऐसा है। और बताते हैं प्रीति कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे जो विस्तारित संविधान हो सकता है वो है, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों का भी उल्लेख है, और इसमें अवसर ये रखा गया है कि इसमें बार बार परिवर्तन किया जा सके, ताकि जिस समय संविधान की रचना की गई थी उस समय भारत का समाज कुछ और था, भारत के लोगों की स्थितियाँ कुछ और थी, और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशंस कुछ और थे। आज जब भारत है एक तेजी से बढ़ता हुआ भारत है, उस समय भारत गुलामी से ठीक उस समय निकला था, सामाजिक अड़चने काफी बनी हुई थी, जकड़ने थी, तो उनसे निकलने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, फिर बाद में भारत प्रगति करता गया उस समय क्या क्या तरीके खोजे जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि भारत का संविधान काफी लचीला संविधान है, और एक डेमोक्रेसी की यह आत्मा होती है कि आपको लचीला होना है, क्या क्या स्थितियां होती है उन स्थितियों के अनुसार कानून, उन स्थितियों के अनुसार कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो एक काफ़ी अहम चीज़ है, हालांकि इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया है पिछले दिनों में, क्योंकि हम अधिकारों पर ज़्यादा जोर देते रहे, लेकिन इधर के दिनों में देखा जा रहा है कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उन मौलिक कर्तव्यों पर भी चर्चा शुरू हो रही है, और एक बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि अगर लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर नागरिक अपने कर्तव्य को भी समझे, अधिकार को सुनिश्चित करे सरकार और नागरिक अपने कर्तव्य को समझे। जी अखिलेश, और इस समय सीधी तस्वीरें हमारे पास आना शुरू हो गई है, और सेंट्रल हॉल में संविधान अपनाने के 70वीं वर्षगांठ पर आज दोनों सदनों की विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है, और इस समय हम सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ पर संसद के सेंट्रल हॉल में आज दोनों सदनों की विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है।
इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करेंगे। दोनों सदनों के सांसद सेंट्रल हॉल में मौजूद, साथ ही दोनों सदनों के सांसद विशेष आमंत्रित हस्तियां भी इस आयोजन में शिरकत कर रही हैं। खास मौका संविधान अपनाने के 70वीं वर्षगांठ का, साथ ही राज्यसभा के 250वें सत्र के मद्देनजर भी कार्यक्रम के दौरान भारतीय संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा का महत्व विषय पर स्मारक खंड का भी विमोचन होगा। हम देख रहे हैं लोकसभा महासचिव और राज्यसभा महासचिव इस समय तस्वीरों में, साथ ही ये सेंट्रल हॉल की तस्वीरें, संविधान दिवस पर दोनों सदनों की विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन। कृति मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, जाहिर तौर पर क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, रोजाना एक अलग माहौल होता है, लेकिन आज किस तरह से आप पूरा माहौल अलग देख रही हैं, क्योंकि इसी संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ है, साथ ही साथ राज्यसभा का ये 250वां सत्र है। हम देख पा रहे हैं अभी तस्वीरों में तमाम बड़े नाम भी मौजूद हैं, दोनों सदनों के सांसद यहाँ मौजूद हैं, किस तरह से अलग माहौल? जी हाँ प्रीति, देखिए 70वीं वर्षगांठ है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन की, तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज। अगर हम दोनों ही सदनों की बात करें तो कार्यावली की बात करें तो कई अहम बिल भी हैं जो आज 2 बजे के बाद दोनों सदनों में आने वाले हैं, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो देखिए माहौल में एक कृतज्ञता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जिस तरह के प्रिंसिपल्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो राइट्स हैं, उनको अपहोल्ड करने की एक जो बाध्यता है, एक जो कमिटमेंट है, वो भी देखा जा सकता है। और साथ ही सारे मेंबर्स आ रहे हैं, सभी दलों के मेंबर्स आ रहे हैं, और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को जिस तरह की डेमोक्रेसी दी है, एक मजबूत राष्ट्र बनाया है, इन सभी बातों को लेकर जो अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है, हमने कल भी कई सदस्यों से बात की और उन्होंने यही किया कहा कि दारोमदार अब देश की जनता के ऊपर है कि जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दिया है, जिस तरह का सपना भारत को बनाने का है, एक जो न्यू इंडिया की बात है उसको कैसे आगे ले जाना है, और छोटी छोटी बातें जो हर सिटीजन कर सकता है, जैसे कई महज सदस्यों ने कल बात बताई कि किस तरह से हम सिंगल यूज प्लास्टिक हटा सकते हैं, कैसे हम स्वच्छता पर ध्यान दे सकते हैं, तो ये एक हमारा छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। सांसदों का ये कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो देश को आगे बढ़ाने की बात है, जो प्रगति के पथ पर अग्रसर करने की बात है, उस पर किस तरह से हम अपना कंट्रीब्यूशन दें, ये सभी सदस्यों ने देश को अपना मैसेज दिया था। और आज देखिए भव्य कार्यक्रम है और सभी को इंतजार है कि किस तरह से प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट देश का संबोधन करेंगे। जी प्रीति, बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम फिलहाल सीधी देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन शुरू होगा और इस समय हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं संसद के सेंट्रल हॉल से। संविधान अपनाने के 70वीं वर्षगांठ पर संसद के सेंट्रल हॉल में आज दोनों सदनों के विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन, और इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों सदनों के सांसद और विशेष आमंत्रित हस्तियां भी इस आयोजन में शिरकत कर रही हैं। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, तमाम ऐसी रोचक बातें हैं जो हमारे संविधान बनने के दौरान सामने आती रही हैं, इनका अगर आप जिक्र करें, हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और इसे बनने में भी काफ़ी वक्त लगा, और जिस तरह से हर राय को इसमें इंक्लूड करने की, समाहित करने की कोशिश की गई, वो किस तरह से इसे खास बनाती है। देखिए, जो संविधान में कई कई बार कई उठापटक हुए, और क्योंकि भारत के संविधान का जो मूल की जो मूल आत्मा है वो भारत का समाज रहा है, और भारत के समाज की जो मूल आत्मा उस समय थी वह थी अंग्रेजों की गुलामी से निकलने की आत्मा, और उसके बाद यह भी एक लोगों के मन में बात थी कि अंग्रेजों की गुलामी से तो निकलेंगे लेकिन किस तरह का भारत बनाएंगे हम, तो किस तरह का भारत बने इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, और उसमें तकरीबन सभी वर्गों के, सभी जातियों के, कह सकते हैं
हैं आप, और सभी दलों के लोग आए थे उसमें, पूरी तरह से उनका प्रतिनिधित्व था और समाज की एक एक चीजें उसमें प्रतिबिंबित हो रही थी। और उस समय मैं जो बताऊं आपको कि समाज की जो एक बहुत बड़ा विभाजन था, जो जातीय विभाजन, उसमें खास तौर पे जो आरक्षण देने की बात हुई थी, आरक्षण देने के मामले में जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर उस संविधान के उस पक्ष को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, और इस समय हमें सीधी तस्वीरें मिल रही हैं, हमें यहाँ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद, और कुछ ही पलों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन होगा, जिसके बाद विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। खास तौर से इस मौके पर सेंट्रल हॉल को सजाया गया है, पूरा संसद भवन इसके लिए विशेष तौर पर सजाया गया है, और यहाँ हम उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष को भी देख रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति के आने के इंतजार में, उनके स्वागत के इंतजार में। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में किया गया है।